हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शक्करपारा की रेसिपी लेकर आई हूँ। शक्करपारा हमने पहले भी डाला था, पर ये अलग तरीके का है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारा बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा। उसमें हम डालेंगे एक पाव शक्कर, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। शक्कर को मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए, शक्कर का पाउडर तैयार हो जाता है। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 10 से 12 इलायची को हमने कूट के पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए तेल। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी तेल लिया है, यानी कि आधी कटोरी मैदा में हम 50 ग्राम तेल डालेंगे। आप यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं। अब मोयन को हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि शक्कर, मोयन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए हम इसे हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैदा में हमने मोयन मिक्स किया, तो कितना बढ़िया अपना डो तैयार होने लायक मैदा हुआ है। मुट्ठी बांध रहे हैं तो अच्छे से बन जा रहा है, यही इसकी पहचान है। और हमने माप बता ही दिया है, आधी किलो मैदा में 50 ग्राम हमें मोयन डालना है, चाहे घी हो या चाहे तेल हो। तो चलिए हम इसे दूध से गूंथते हैं। हमने मोयन ज्यादा डाला है, इसके लिए हम दूध या पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक बढ़िया सा डो तैयार करना है हमें। ध्यान रहे, इसमें एक साथ ज्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि ये गीला हो जाएगा तो फिर तलने में मजा नहीं आता है। तो चलिए हम इसे गूंथ के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने शक्करपारे के लिए बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। बिल्कुल ये पूरी जैसी ही है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसकी हमें बड़ी सी और मोटी सी पूरी तैयार करनी है, तो हमने बॉल बना लिया और ऐसे चिपका लिया। चलिए हम इसे बेल के दिखाते हैं। हमने यहाँ एक रोटी बनाने वाला चकला लिया है, इसे हमें थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेना है और बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा लेना है, जिससे डो चिपकेगा नहीं। और इसके ऊपर हम ये लोई रख के इसको एक मोटी सी पूरी की आकार में बेलेंगे, यानी कि पूरे चकले का हम ये पूरा बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक ऐसी पूरी बना ली है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। और कटर हमने ये गोल वाला लिया है, इससे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच में एक पीस काटेंगे और किनारे किनारे ऐसे हम कट लगाते जाएंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से अपनी शक्करपारा तैयार हो रही है। बीच वाला हम डो हटा लेंगे और इसे हम एक ट्रे में लेके रख लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी शक्करपारे तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक बैच शक्करपारे तैयार कर लिए हैं। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम इसमें एक छोटा सा डो डाल के चेक कर लेंगे कि अपनी तेल गर्म हुई है कि नहीं, क्योंकि शक्करपारे के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर की परत जल जाएगी और नीचे से कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने शक्करपारा का डो ऊपर तैर के आया है। तो बस हमें ऐसे ही नॉर्मल तेल चाहिए। अब हम एक एक शक्करपारा इसमें छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं एक बैच में जितना आपके कढ़ाई में आ सके आप डाल सकते हैं। बिल्कुल मध्यम तेल गर्म है, इस पे कितने आसानी से अपना शक्करपारा तैर के ऊपर आ रहा है। तो बस हमें ऐसे ही तेल में इसे फ्राई करना है। आराम से, टाइम तो लगेगा पर बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। आप देख सकते हैं हमने शक्करपारे को फ्राई करते हुए 5 मिनट हुआ है। फ्लेम स्लो है, तेल मीडियम में हमने डाला था, बस ऐसे ही हमें फ्राई होने देना है।
और जब तक इसका सुनहरा कलर ना हो जाए तब तक हमें इसे तलना है, तभी ये जाके अंदर तक क्रिस्पी होगा। आपको मैं दिखा दे रही हूँ इसमें कैसे लेयर्स आ रहे हैं, खाने में ये कितना टेस्टी लगेगा आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसे 4 से 5 मिनट और फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे 15 मिनट तक पलट पलट के फ्राई किया है। इसका आप कलर देखिए, इसकी लेयर देखिए। अब चलिए हम इसे छड़नी की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी शक्करपारा तैयार हो रही है। देख सकते हैं कैसे अपनी शक्करपारे में लेयर्स तैयार हुई है, यानी कि इसके मुंह खुल गए हैं, अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो चलिए हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। तेल गर्म है, उसमें हम दूसरा बैच धीरे धीरे डाल देंगे। आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई हो उतना डालिए, ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। अब देख सकते हैं हमने सेम प्रोसेस से दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। एक बार और आप इसकी लेयर देखिए कैसे इसकी लेयर खुले खुले दिख रहे हैं। हमने ना इसे कोई फोल्ड किया है ना ही इसके अंदर कुछ लेप डाला है, फिर भी ये कितनी बढ़िया अपनी शक्करपारा तैयार हो रही है। तो चलिए इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। हम झरने से टेढ़ा करते हुए इसे भी डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमने कितना बढ़िया शक्करपारा तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया शक्करपारा बनाना कितना आसान है। इसकी लेयर देखिए, सबके मुंह खुले पड़े हैं। तो आपके भी घर में ऐसे ही शक्करपारे बनके तैयार होंगे। फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।